हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड प्रवेश प्रक्रिया संबंधित कुछ जानकारी के बारे में। बिहार बीएड की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू है और ऐसे में इस बार बिहार में नामांकन के लिए यानी प्रवेश के लिए बहुत ज़्यादा मारामारी है, यानी कि एक एक सीट पर कई सारे दावेदार हैं, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिन छात्रों के नंबर कम है लेकिन वो क्वालिफाइड हैं वो क्या करें, क्योंकि अभी भी बहुत सारे हजारों छात्र ऐसे हैं जो पास होने के बावजूद भी दुविधा में हैं कि हम काउंसलिंग कराएं या ना कराएं। रीज़न क्या है? उनके नंबर थोड़े कम हैं, ज़्यादा नहीं हैं। तो इसी पर बात करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों, बिहार बीएड की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हुए 2 दिन बीत चुके हैं। बिहार बीएड की काउंसलिंग प्रक्रिया 11 जुलाई से शुरू हुई है और कल 12 जुलाई को भी काउंसलिंग हुई है, आज भी चल रही है और ये काउंसलिंग जो है 20 जुलाई तक चलेगी। उसके बाद 25 जुलाई को अलॉटमेंट लेटर जारी होगा जिसमें पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। हालांकि 2 दिन बीत जाने के बाद भी हजारों छात्र ऐसे हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि सर, मेरे इतने नंबर हैं, मैं क्वालिफाइड हूँ लेकिन मेरे नंबर कम हैं, तो मैं काउंसलिंग कराऊँ या ना कराऊँ। क्योंकि बच्चों को भी पता है कि नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, मात्र 37,000 कुल सीट हैं, 342 कुल कॉलेजें हैं बिहार में, जिसके सीटों को मिलाकर कुल मात्र 37,000 सीटें हैं और आवेदन बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत है, लगभग 2 लाख बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये पता है कि मैं पास तो हूँ लेकिन मेरे नंबर कम है, इस बार कट ऑफ ज़्यादा हाई जा रही है, जितना हमारा नंबर है उतने तक सीट ही नहीं बचेगी। ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है और इसके वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हम काउंसलिंग कराएं या ना कराएं, क्योंकि उनको पता है कि शायद सीट मुझे ना मिले तो वो सोच रहे हैं क्यों मैं 1,000 रुपये अपना बर्बाद करूं। ये लगातार मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, मैं सभी को रिप्लाई करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, सभी को जवाब भी दे रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर, मेरे 38 नंबर हैं, सर मेरे 45 नंबर हैं, सर मेरे 49 हैं, 50 हैं, 55 हैं, सर मैं काउंसलिंग कराऊँ, 60 है नंबर मेरा, सर काउंसलिंग कराऊँ, मिल जाएगा कॉलेज, नहीं मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि इस बार प्राइवेट भी मिलना बहुत सारे छात्रों को, पास वाले छात्रों को भी, यानी कि क्वालिफाइड छात्रों को भी, बहुत सारे लोगों को प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगा, लाखों छात्र वंचित रह जाएंगे नामांकन से। तो भाई, आप लोगों को मैं अभी बताने वाला हूँ कि आपको कम नंबर वालों को क्या करना चाहिए, क्योंकि भाई अब एक एक सीट पर 8-8, 10-10 लोग जब दावेदारी कर रहे हैं तो वहाँ पर कंपटीशन देख सकते हैं कितने हाई लेवल का है। इसके साथ साथ मैंने एक ग्रुप भी क्रिएट कर रखा है इंस्टाग्राम पे दोस्तों, बीएड स्टूडेंट्स के नाम से। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग की और कॉलेज लिस्ट वगैरह सब कुछ आपको अपडेट करता रहता हूँ, आगे भी अपडेट मिलती रहेगी। तो आप लोग को अगर सवाल करना है, पूछना है अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, ये फॉलो कर सकते हो, मेरा यूज़र आईडी है, और मैसेज करके इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना और मुझे DM भी करके आप पूछ सकते हो। तो हालांकि अब मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ कि जो बच्चे दुविधा में हैं, पास होने के बाद भी दुविधा में हैं कि काउंसलिंग कराएं या ना कराएं, देखिए भाई, जिनके नंबर 36 प्लस हैं, क्योंकि ये मिनिमम पासिंग मार्क है, बाकी SC जनरल वालों को 42 है, ठीक है। तो जिनके, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो अगर आपका 42 प्लस मार्क्स है, और अगर आप अदर कैंडिडेट हो अगर आपके 36 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है, तो आपको काउंसलिंग कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। जहां तक है मैं आपको बताऊंगा कि देखो भाई, 50 नंबर तक बहुत ज़्यादा, यानी 99% चांस है कि काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। सब साफ बोलूँगा, भले बात कड़वी लग रही है लेकिन साफ बोलूँगा, भ्रम में नहीं रखूँगा। जब आप ये डिसीजन ही लेना चाहते हो कि मैं 1,000 रुपये बचा लूँ वो फ़ायदेमंद है या मैं काउंसलिंग करा लूँ, तो मैं आपको बताता हूँ, 50 नंबर तक बच्चों को मुश्किल है कॉलेज मिलना काउंसलिंग में। 50 नंबर के ऊपर शायद थोड़ा चांस है, थोड़ा मतलब मैं बताता हूँ कितना परसेंट, मात्र 30% चांस है कि 50 से 60 नंबर वालों को कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, 30% चांस, ठीक है। 60 से 70 मार्क्स वालों के लिए 50% चांस है कि प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। 70 से लेकर 80 नंबर के बीच में जिन छात्रों के नंबर हैं उनको बताना चाहूँगा कि 70% चांस है कि आपको 70 से 80 मार्क्स वालों के लिए 70% चांस है कि आपको
कोई अच्छा कॉलेज आपके मनपसंद का कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अगर मनपसंद का नहीं मिलेगा तो 90% चांस है कि आपको दूसरे तीसरे चौथे प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके चॉइस की 70% चांस है कि आपको नंबर वन वाले पे कॉलेज जो रखा है वो मिल जाएगा। बाकी इसके ऊपर जितने भी बच्चे हैं, 80 के ऊपर बच्चे जो 80 के 90 बीच में हैं, उनको सेमी प्राइवेट मिल सकता है या गवर्नमेंट के भी चांस है मिलने के, ठीक है। तो अब दोस्तों ये मैंने बता दिया कि कितना एक्सपेक्टेशन है, कितना चांसेस हैं। तो अब बात करता हूँ कि सर 50 या 60 नंबर के अंदर जिन बच्चों के नंबर है उनको काउंसलिंग कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। देखो भाई, यहाँ पर एक नियम ये है बिहार में कि अगर काउंसलिंग के बाद में कॉलेज में सीटें कहीं कहीं बच जाती है, गांव-गांव में जो कॉलेजें होती हैं वहाँ कुछ सीटें बच जाती हैं, किसी में एक, किसी में दो, किसी में तीन चार, ऐसे सीटें बची रहती हैं कभी कभी। इस बार तो चांसेस कम है लेकिन अब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। तो देखो इसमें क्या होता है कि अब वो जो कॉलेज में सीटें बचेंगी वो कॉलेज वालों के ऊपर डिपेंड होता है कि किसको बच्चा किस बच्चे को देगा एडमिशन। तो वहाँ पर ये होता है नियम कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो ही आप स्पॉट काउंसलिंग ले सकते हो, बचे हुए सीटों पर कहीं जाकर आप नामांकन करा सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। लेकिन रजिस्ट्रेशन हुआ हो आपका, काउंसलिंग में भाग लिया हो आपने, जिन बच्चों ने पास किया है, एग्ज़ाम दिया है लेकिन काउंसलिंग नहीं कराया है, वो बच्चे सीट बचने के बाद भी वहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था काउंसलिंग के लिए। तो इसलिए आप लोग अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो अंडर 50 नंबर के जितने बच्चों के 50 नंबर से कम है वो लोग अगर स्पॉट एडमिशन लेना चाहते हैं तो काउंसलिंग जरूर करा लेना, या कहीं किसी से बात कर रखा है तो भी आप काउंसलिंग जरूर करा लेना, क्योंकि बिना काउंसलिंग के एडमिशन नहीं होगा, ये रूल है बिहार बीएड का, ठीक है। तो अब भाई अपने ऊपर है डिसीजन आपका। मुझे लगता है कि सीटें बचनी मुश्किल है क्योंकि दावेदारी बहुत ज़्यादा है, इस बार बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं, लेकिन अगर बच गई कहीं तो आप तभी एडमिशन पाओगे जब आपने काउंसलिंग करा रखा होगा, ठीक है। तो अदर कैंडिडेट हैं जो बच्चे उनको 750 देना होगा, जो जनरल के हैं उनको 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन का देना होगा। हालांकि मैंने ये भी बता दिया कि 50 नंबर के अंदर वाले बच्चों को काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट होना मुश्किल है, ये भी मैंने साफ बोल दिया है। बाकी अब आपका डिसीजन है क्या करते हैं। अगर आपको सीटें बचती हैं तो आपने काउंसलिंग नहीं करा रखा होगा तो आपको नहीं मिलेगा एडमिशन। तो इसलिए अगर आप लोग बात किए हुए हैं, कहीं जानकारी है कि हाँ यहाँ सीटें बचती हैं, यहाँ हो जाएगा, तो आप काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कर देना, ठीक है, तभी आपका हो पाएगा, वरना वो कॉलेज वाले भी आपको एडमिशन नहीं दे सकते हैं अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा होगा ऑलरेडी पहले से, ठीक है। तो 20 तारीख तक मौका है, आप लोग सोच विचार लीजिए। आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं कि सर मेरे इतने नंबर है, क्या करूँ, कराना चाहिए काउंसलिंग नहीं कराना चाहिए, ये मेरा यूज़र आईडी है, सर्च कर लेना और मुझे फॉलो भी कर लेना आगे की अपडेट्स के लिए, ठीक है। और जो भी चीज़ें आएंगी निकल के हम अपने चैनल पर बताते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि जिन बच्चों के नंबर कम है वो भी डिसीजन ले सकें, क्योंकि 20 तारीख तक काउंसलिंग चल रही है, 20 तारीख तक आप काउंसलिंग करा सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और अपना कॉलेज प्रेफरेंस अच्छे से तैयार करके ही आप कॉलेज चूज़ करें। और हाँ, जो माइनॉरिटी के हैं, जैसे क्रिश्चियन कोई है, कोई मुस्लिम है, तो उसको 9 कॉलेजों में से एक कॉलेज मुस्लिम यानी अल्पसंख्यक वाला कॉलेज आपको डालना ही डालना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, आपने काउंसलिंग की गाइडलाइंस में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो ध्यान से देख लीजिए।